दोस्तों हमारा माइंडसेट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, और हमारा माइंडसेट उस समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हमारी एज 18 से 25 साल के बीच में हो, क्योंकि इस समय हम जो कुछ भी करते हैं उसका सीधा असर हमारी आने वाली पूरी लाइफ पे पड़ता है। यदि आप इस समय खुद को गरीब और कमजोर समझते हैं तो यकीनन आपकी पूरी जिंदगी गरीबी और कमजोरी में ही निकलने वाली है। और यदि इस एज में आपका दिमाग पूरी तरह से खुला हुआ है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, यानी आप किसी भी तरह के कंफर्ट जोन में नहीं हो, तो यकीन मानिए आने वाले कुछ टाइम बाद आप एक बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हो। तो यार आज के हमारे इस वीडियो का यही टॉपिक है, हाउ टू थिंक इन योर 20s। हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें अपने 20s में कैसी सोच रखनी चाहिए जिससे हम अपने फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जी सके, एक अमीरों वाली लाइफ जी सके, हम इतना पैसा कमा सके कि खुद की जरूरतों के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सके, हम अपने पसंद की कार्स में घूम सके, अपनी पसंद की जगह घूम सके, अपना हर काम किसी की गुलामी से नहीं बल्कि अपनी खुद की मर्जी से कर सके। और दोस्तों यकीन मानिए ये सब कुछ केवल आपके हार्डवर्क और आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके माइंडसेट और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो यार आज के हमारी इस वीडियो में हम चार पार्ट में समझने वाले हैं हाउ टू थिंक इन योर 20s, यानी हम अपने 20s में कैसे सोचे। पार्ट वन, दोस्तों मान लीजिए आज आपकी एज 20 साल है और आपको एक ऑफर दिया जाता है कि आपको एक ब्रांड न्यू कार मिलेगी जिसे आपको तब तक यूज करना है जब तक कि आप जिंदा हो, इसके अलावा आपको पूरी लाइफ में कोई दूसरी कार नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में दो तरह के लोग होंगे, पहले वो जो उस कार की कोई कदर नहीं करेंगे, जैसा मन चाहे उसे चलाएंगे और उसके मेंटेनेंस पर भी कोई खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो कार उन्हें फ्री में मिली है, और उनकी सोच ऐसी है कि न जाने कब तक हम जिंदा रहेंगे, इसलिए जब तक हो सके लाइफ को एंजॉय करो। और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को हम पुअर माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं। और दूसरे वो लोग होंगे जो उस कार का पूरा ख्याल रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाएंगे और उस कार को कभी भी एक खरोच तक नहीं आने देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी लाइफ उन्हें उसी कार के साथ बितानी है और जब तक वे जिंदा है तब तक ये कार उनके काम आएगी, उनकी जरूरतों को पूरी करेगी। और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को हम रिच माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं क्योंकि कार तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसे हम अपनी पूरी लाइफ में कई बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो कि हमें केवल एक बार मिलता है, जिसे हम कभी भी नहीं बदल सकते, जिसे हम कभी रीसेट नहीं कर सकते। और अपने 20s में 90% लोगों की सोच ऐसी होती है कि लाइफ एक बार मिली है, इसे एंजॉय करो। अपने ब्रेन को वो लोग उस फ्री में मिली हुई कार की तरह समझते हैं और उसी तरह ट्रीट करते हैं जिसपे वे कोई भी खर्चा नहीं करना चाहते और जब तक वे चल रही है तब तक उसके मजे लेना चाहते हैं। लेकिन केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ब्रेन की कीमत समझते हैं और वे अपने टाइम की और अपनी लाइफ में मिली हुई चीजों की कदर करते हैं। वे लोग इतनी कम उम्र में ही अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं। दोस्तों अक्सर हम सभी अमीर बनने के लिए एसेट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जितने ज्यादा और जितने स्ट्रांग एसेट्स होंगे हम उतने ही जल्दी अमीर बन पाएंगे, लेकिन 90% लोग जिनका पुअर माइंडसेट होता है उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि हमारी लाइफ का सबसे स्ट्रांग एसेट्स कौन सा है जो हमें बहुत जल्दी अमीर बना सकता है या फिर हमें किसी भी लेवल पर पहुंचा सकता है। लेकिन जो 10% लोग होते हैं जिनका रिच माइंडसेट होता है उन्हें अपने 20 से ही इस बात का आइडिया होता है कि हमारा सबसे स्ट्रांग एसेट और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्रेन है, हमारी सोच है, हमारा माइंडसेट है। और अब आता है इस वीडियो का पार्ट टू। दोस्तों जब हम अपने 20s में होते हैं और शुरुआत में जब हम कुछ पैसे कमाने लगते हैं तब 90% लोग जिनका पुअर माइंडसेट होता है उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ख्याल तक नहीं आता, और अगर कहीं से उनके माइंड में थॉट आया तो भी वे ये बोलकर इग्नोर कर देते हैं कि यार अभी हमें किसके लिए इन्वेस्ट करना है, अभी हमारी एज ही क्या है। लेकिन 10% लोग जिनका रिच माइंडसेट होता है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करते। वे लोग अपने 20 से ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो ज्यादातर लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जो कि रिस्क फ्री हो, कैपिटल सेफ रहे और उनको अच्छा रिटर्न मिलता रहे। ऐसे लोग FD को प्रेफर करते हैं, बट FD का रिटर्न भी बहुत कम हो चुका है एंड उसके रिटर्न टैक्स फ्री नहीं होते, टैक्स पे करने के बाद इसका रिटर्न बहुत कम हो जाता है। ऐसे में गारंटेड रिटर्न प्लान आपको मदद कर सकता है। गारंटेड रिटर्न बेसिकली फिक्स्ड रिटर्न प्लान होता है जिसमें आपको मैच्योरिटी पे एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, ऑन द टॉप ऑफ दिस ये टैक्स फ्री भी होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो रिटर्न इज हाई एज 7.2%, साथ ही साथ इसका रिटर्न भी हाई है कम्पेयर टू FD एंड PPF। ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, इसके साथ ही आपको लाइफ कवर भी मिलता है, इसे हम एक तरह का इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। पॉलिसी बाजार पे आप ये चेक कर सकते हैं।
इसका एक बेनिफिट और भी है। कस्टमर्स को दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, या तो वो मैच्योरिटी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक लमसम अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ टेन्योर, या तो फिक्स्ड इनकम प्लान के लिए भी जा सकते हैं, फिक्स्ड मंथली प्लान या फिर एनुअल प्लान। अगर आप देखेंगे फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शंस, गारंटीड प्लान के थ्रू आपको 7.2% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसमें लाइफ कवर भी मिल जाता है, टैक्स सेविंग भी मिल जाता है अंडर ATC एंड टैक्स फ्री मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D। और अगर अदर ऑप्शंस देखेंगे लाइक बैंक FD एंड अदर पॉपुलर ऑप्शंस PPF, बैंक FDs 5.75% 5 to 10 ईयर में एंड अदर पॉपुलर ऑप्शंस PPF 7.1% इन 15 ईयर्स, इसलिए ये बेटर है PPF एंड FD से। देखा जाए तो हम एक तरह से इन्फ्लेशन को भी इससे बीट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम अपने वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड स्टडी ग्रोथ प्लान के इन्वेस्टमेंट स्कीम में रख सकते हैं। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ ही अनफॉर्चुनेटली अगर बियरर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को कवर मिलता है, विच इज नॉर्मली 10 times द एनुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। डेथ के केस में भी है लमसम ऑप्शन होता है, नॉमिनी कंटिन्यूज टू रिसीव द इनकम फॉर फाइनेंशियली सिक्योरिटी। तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं और अपने हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैंने पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जाइए और अभी पाइए गारंटीड रिटर्न। और अब आता है इस वीडियो का पार्ट 3। दोस्तों अक्सर जब लोगों को उनके 20s में बोला जाता है कि आपको अभी से अपने पैसे को सही से मैनेज करना सीखना चाहिए, आपको अभी से बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए और शुरू करना चाहिए, या फिर आपको अभी से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, तो जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है उनका कहना होता है कि जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम ये सब कुछ करना शुरू करेंगे, अभी हमारे पास बहुत कम पैसा है, या फिर अभी तो हमने बस कमाना शुरू किया है, अभी से क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है उनका मानना होता है कि जब हम अपने कम पैसे को सही से मैनेज करेंगे, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम फ्यूचर में अमीर बन पाएंगे। और इस तरह के माइंडसेट की वजह से जब तक उन लोगों के पास ज्यादा पैसे आते हैं तब तक उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उन्हें मनी मैनेजमेंट समझ आ जाता है और फिर उन्हें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के टाइम में जो लोग 40 से 50 साल के हो चुके हैं और एक एवरेज लाइफ जीते हैं, उन्हें जाकर यदि हम ये पूछेंगे कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या रही जिसकी वजह से आप गरीब है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब बिल्कुल सेम होगा कि उन्होंने अपने 20s में मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा और ना ही इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने कभी सोचा। और हम उन लोगों के इस जवाब से ये सीख सकते हैं कि हमें अपने 20 से ही मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अब आता है इस वीडियो का पार्ट 4। दोस्तों आज के टाइम में जितनी भी लाइफ चेंजिंग बुक्स है जिन्हें बहुत अमीर और सक्सेसफुल लोगों ने लिखा है, उन सभी में एक बात हमेशा कॉमन मिलती है कि हमें अपने 20s में रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, हमें अपने 20s में कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कई तरह की नई फील्ड में जिनमें सक्सेस होने के सबसे ज्यादा चांसेस है उनमें अपना टाइम जरूर देना चाहिए। यानी जिस रास्ते पूरी दुनिया चलती है, पढ़ाई करना, फिर एक अच्छी नौकरी लगना और फिर पूरी लाइफ उसी नौकरी के पीछे निकाल देना, हमें उस रास्ते से हटकर हमेशा कुछ नई चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि केवल रिच माइंडसेट वाले लोग ही कर पाते हैं। बाकी जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो हमेशा उसी रास्ते को चुनते हैं जिसपे सबसे ज्यादा कंपटीशन हो और जो सबसे ज्यादा आसान हो। तो दोस्तों अभी आपकी एज क्या है और आपका रिच माइंडसेट है या फिर पुअर माइंडसेट, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अभी जाइए और पाइए गारंटेड रिटर्न। और आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।